नमस्कार दोस्तों, आप मुझे जानते ही हैं, मेरा नाम दुर्गेश मौर्य है। जोधपुर में ये बताओ, हमारा जोधपुर जिला है। जोधपुर जिले में तहसील शेरगढ़ है, कनोडिया गांव है। यहाँ पे दोनों पर है, इसमें 12 बीघा का जीरा 12 बीघे का जीरा है। और इनका मेरे पास फोन आया रात को करीब 11:30 बजे फोन आया, और इन्होंने इस जीरे को लगाने वाले थे, वो उपचार करने वाले। तो मैंने इनको ये बताया कि ये जमीन में स्प्रे कैसे करना है, जमीन को कैसे तैयार करनी है, और बीज को उपचार कैसे करना है। तो आपने मुझे कितने बजे फोन किया होगा, थोड़ा सा जानते हैं इनसे। रात के 12 बजे फोन करिए, इसने सर ने, मैं बोला मैं कि इसको उपचार करने वाले देवा हम बोल दे। इसने बोला कि भाई 1 किलो में 10 ml ले लेना, हमारे 25 किलो जीरा है, इसमें हम पूरा उपचार करके पूरा पानी में डालकर फैली स्प्रे कर दिया, इसमें ऊपर से उपचार करके डाल दिया, और उसमें कम से कम फैली उगती 20-25 दिन से। हम की बार इसका उपचार करिए, हमारे 1 हफ्ते 10 दिन में निकल गई पूरी सारी। और पहली बार उगाता इसमें 2 किलो बाग था, अब की बार 1 किलो का प्रोडक्ट हुआ। तो इसमें अब की बार हमने हमारे 12 बीघा में हमने लेना पड़ा 24 किलो, हमने 12 बीघा में 15 किलो ही लिया, 1.5 किलो ऐसा पड़ गया उसमें, और हम फसल देख लेना बहुत अच्छी है इसमें। अब फसल देख सकते हैं दोस्तों, जो मैंने बताया था जी, आप पहले फसल के देखिए थोड़ा सा, मैं आपको खेत में घुमा के फसल भी दिखाता हूँ, ठीक है। एक जगह नहीं, पूरे खेत में ही कितने कितनी अच्छी फसल हुई है। और एक जीरा का पेड़ है यहाँ पे, देखिए मैं गोबे गिन देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, और एक छोटा निकल के आ रहा है 21, एक पेड़ है। ऐसे ही आप देख रहे हैं इनके खेत में पूरा, आप दूर दूर तक इन्होंने कितने बीघे हैं ये, 12 बीघे जीरा लगा रखा है। और आपको बताता हूँ इस जीरे की एक खास बात कि हम इन्होंने बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया अपना, हमने जैसे हमारी टीम ने, मैंने गाइड किया इनको, उसी हिसाब से जीरा लगाया है। आपको बताऊँ, जब भूमि हम तैयार करते हैं, जब खेत तैयार करते हैं, तो इसके अंदर हमने क्या किया, स्प्रे करवाया इनको, जमीन पे स्प्रे करवाया, फुहारा चला दे। और दूसरी चीज, हमने जब बीज का उपचारित किया है तो जो मरे से मरा भी बीज होता है वो भी जम जाता है। तो इन्होंने अभी आपने वीडियो में ही देखा है कि कितने दिन में इससे पहले उगा हुआ था, पहले तो 15-20 दिन लगता है, अब की बार तो 10 दिनों में तैयार हो गया। पहले 15-20 दिन लग रहे थे बाहर आने में, लेकिन जब मैंने एप्सा 80 से उपचार करवाया इनको, तो ये जो है 10 दिन में ही बाहर आ गया। अब की बार तो सारा हगित बार तो सोचता नहीं जी, BMO 70% उगता, अब की 100% उग गया। इससे पहले 70% उगता, अब 100% आ गया एप्सा का यूज करने में। आपको एप्सा यूज करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है ये एप्सा। अब की बार हमें दकली सीजन में एप्सा कम से कम निकलेगा तो 500-600 लीटर निकलेगा। आज की डेट है 19 जनवरी 2020, हम यहाँ राजस्थान में हैं, और आप देख रहे हैं पूरे टीले पे भी जो है बहुत अच्छी फसल हुई है। तो टीला है, आप देख रहे हैं उगा बहुत अच्छा हुआ है। तो मैंने एक चीज नोट किया, राजस्थान के जो किसान भाई हैं उनको जीरे में बहुत सारी बीमारी लगती है, लेकिन जब आप इसको ट्रीट कर देते हो बीज को, हमारी बताई गई मात्रा के हिसाब से, हमारे इंस्ट्रक्शन के साथ, आप 1 साल जीरा लगाओ, और आपको मैं बता देता हूँ गारंटी के साथ फायदा होगा। मुझे फ़ोन कर सकते हैं आप, हम आपकी हेल्प के लिए पूरी तैयार हैं, क्योंकि अभी इसमें यूरिया कम डालना पड़ता है। आपने यूरिया कितना डाला पूरे इसमें? इसमें यूरिया 2 कट्टे डाले, 2 कट्टे डाले ना, 12 बीघे में 2 कट्टे यूरिया डाले हैं। और इससे पहले पिछले साल कितने डाले था आपने? 4 कट्टे पिछले साल हमने 4 कट्टे डाले थे। यानी कि आप देखो, आपका जो है यूरिया का भी जो खर्चा है वो घट हो गया, वो थोड़ा हुआ, यानी आधा कम हो गया। DAP कितना पिछली बार डाला था? पिछली बार 4 कट्टे डाले, पिछली बार 4 कट्टे डाला था इन्होंने, इस बार 2 कट्टे डाले। यानी कि आप देख रहे हो कि आपके जो DAP यूरिया सल्फर पोटास जो कुछ भी आप डालते हो खेत के अंदर, सारा आधा डाल रहे हैं। बाकी कंपनियां आपको क्या बोलेंगी कि ये डालो वो डालो, यानी कि आपका खर्चा बढ़ेगा, उनको अपना टारगेट पूरा करना होता है। लेकिन हमने प्रण लिया है किसानों का खर्चा कम करना है और प्रोडक्शन अच्छी दिलवानी है। आप एक बार हमसे
जुड़ करके आप ट्राई ले सकते हो जोधपुर के अंदर। हमें हम पूरे देश में बहुत ही इसका एक रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं। ये मुझे अकेले पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हमारे साथ 10,000 किसान हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ 10,00,000 किसानों का सहयोग रहेगा, तब जा करके हो पाएगा। हाँ, पानी जब देते हो तो क्या फर्क दिखा आपको, कितने दिन में पानी देना पड़ता है? इसमें तो फैल देना पड़ता आपके 15-20 दिन बाद लिया, नहीं तो पानी देना पड़ता 10 दिन बाद। 10 दिन पहले 10 दिन में 10 दिन पे देते थे, अभी जो इन्होंने दिया 15 दिन पे दिया। यानी दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, जो पानी आप जो है 10 बीघे में यूज कर रहे हो, उतने ही पानी से आप FSA-80 के साथ जो है 15 बीघे की खेती कर सकते हो। ये मैं अपने अनुभव से नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे किसान भाई हैं ये बता रहे हैं हमें। थैंक यू दोस्तों, मेरा नंबर है 9811688918, दुर्गेश मौर्या नाम है मेरा। नीचे भी आपको नंबर दिख ही रहा है, आप इसमें मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ। धन्यवाद, थैंक यू रामजीवन जी। ओके।